फतेहपुर में सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इलाज करा रहा ये शख्स पुलिस बर्बरता का शिकार हुआ है। आज जब ये अपने बीमार मवेशियों को पशु चिकित्सालय लेकर जा रहा था, तभी इसको रोककर पुलिस वाले ने इसको धमकाया और पैसे मांगे। पीड़ित का आरोप है कि पैसे न देने पर इसको लाठियों से पीटा गया। पुलिस वाला मारा? क्यों मारा? पड़िया भाई घर खे रहा है, मुँह सूज रहा है, डॉक्टर के दिखाने ले जाए। इसका ये क्या है, कहाँ ले जा रहा है? कसैया तू काटने के लिए ले जा रहा है? ला 5,000 दे। तो गाय साहब हम दवा कराए ले जाए थे, हम कसाई थोड़ी और एक घर की पड़िया है, हम काटने के लिए थोड़ी दिए, हम पालने के लिए लिए। तो उतने में जो है गाय पैसा दे नहीं, अभी बहुत मारूंगा तो मारने लगा, उसके बाद डंडा से मारा, पीछे डिग्गी से निकाला उसको, और 1,000 रुपये उसके पास जूता के लिए कलमा दिया था ईद के लिए ले लेना, वो 1,000 रुपये उसके जेब से निकाल दिया। इस पूरे मामले की बाबत जब पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से बात की गई तो वो जांच की बात कर रहे हैं। ये देखिए, पता चला है कि थाना हदगांव में वहाँ पे एक सिपाही है शीतलेश्वर तिवारी, उसकी और कोई मवेशी लेके जा रहा था व्यक्ति, उससे बातचीत हुई है, कहा सुनी हुई मारपीट हुई है, तो उसमें हम जांच की कार्यवाही करा रहे हैं और जांच के बाद जो सही हो वो कार्यवाही करेंगे। पूरे महकमे को बदनाम करने वाली पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। अब देखना ये होगा कि ये जांच कब और कैसे पूरी होगी और इस पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा, न्यूज़ 75.in।